नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पुंडुचेरी में लगा राष्ट्रपति शासन। गृह मंत्रालय ने पुंडुचेरी में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी है। बता दें, इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पुंडुचेरी में मुख्यमंत्री नारायण सामी के इस्तीफे के बाद किसी ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया, जिसके बाद राज्यपाल ने आर्टिकल 239 के तहत विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। बता दें, केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद अब राष्ट्रपति की मंजूरी से विधानसभा भंग होगा। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधानसभा में विश्वास मत गंवाने के एक दिन बाद पुंडुचेरी के मुख्यमंत्री बी नारायण सामी और उनकी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा 22 फरवरी को स्वीकार कर लिया। झारखंड आंदोलन के अगुआ आश्रितों को सरकारी नौकरी। झारखंड राज्य अलग होने के 20 साल बाद अब अलग राज्य निर्माण हेतु आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों को राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती देने का फैसला मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया है। सीधी भर्ती लिए रिटायर्ड भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन भी किया जाएगा। आयोग प्राप्त आवेदनों के आधार पर दस्तावेजों की जाँच कर आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को चिन्हित करेगा। साथ ही पुलिस की गोली से घायल 40% तक दिव्यांग हुए आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। बता दें, सरकार शहीद परिवार के एक सदस्य को 7,000 तक का मासिक पेंशन भी देगी। इसके अतिरिक्त पुलिस की गोली से 40% तक दिव्यांग हुए शहीद के आश्रितों को भी पेंशन दिया जाएगा। मनरेगा में अब 194 नहीं 225 रुपये मिलेंगे। झारखंड देश का पहला राज्य है जिसने आगामी वित्तीय वर्ष से मनरेगा अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर 225 रुपये प्रति मानव दिवस करने का निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया है। बता दें, अब मनरेगा के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों को 194 की जगह 225 रुपये मिलेंगे। मनरेगा में बेहतर काम करते हुए झारखंड ने पहले ही पूर्व के सारे मानव दिवस के लक्ष्य को प्राप्त किया है। 10 लाख ग्रामीण युवाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देगी सरकार। ग्रामीण इलाकों के युवाओं जिनके पास अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उनके लिए राज्य सरकार शानदार अवसर मुहैया कराने जा रही है। बता दें, राज्य के ग्रामीण इलाकों में युवाओं को दो पहिया वाहन चलाने के लिए अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस मुहैया कराने के लिए विशेष कैंप लगेंगे और इन कैंपों की मदद से 10 लाख युवाओं को लाइसेंस देने का निर्णय लिया गया है। छात्र छात्राओं को 1 मार्च से मिलेगा पक्का भोजन। राज्य में 8वीं क्लास के छात्र छात्राओं को 1 मार्च से स्कूल बुलाया जाना है। इस बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें मिड डे मील का भोजन भी दिया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने गाइडलाइन जारी किया है। बता दें, 10वीं और 12वीं के लिए हाई और प्लस टू स्कूल 21 दिसंबर से खुल चुके हैं। अब मिडिल स्कूल में 8वीं के लिए छात्र छात्राओं को बुलाया जाएगा। मैट्रिक के मॉडल प्रश्न पत्र का दूसरा सेट जारी। झारखंड एकेडमी काउंसिल जैक ने गुरुवार को मैट्रिक परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र का दूसरा सेट जारी कर दिया है। बता दें, मैट्रिक के मॉडल प्रश्न पत्र का पहला सेट 4 जनवरी को जारी किया गया था। मालूम हो, मैट्रिक की परीक्षाएं 4 मई से निर्धारित है। जैक कुल मॉडल प्रश्न पत्र का 5 सेट जारी करेगा। वही लर्नेटिक ऐप में इन प्रश्नों के जवाब भी दिए जा रहे हैं। वहीं इंटरमीडिएट साइंस के 2 सेट, कॉमर्स के 1 सेट और आर्ट्स के कुछ विषयों के 1 सेट मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं। जेपीएससी ने जारी किया संशोधित परीक्षा कैलेंडर। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें 2021 में होने वाली सभी परीक्षाओं को शामिल किया गया है। लॉकडाउन की वजह से पिछले साल जारी परीक्षा कैलेंडर को 2 बार संशोधित करना पड़ा था। बता दें, जेपीएससी की ओर से जारी संशोधित परीक्षा और इंटरव्यू कैलेंडर में 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2 मई, मुख्य परीक्षा सितंबर के चौथे सप्ताह और इंटरव्यू 15 से 25 दिसंबर के बीच निर्धारित की गई है। झारखंड के स्कूलों में कक्षाएं शुरू करने के लिए एसओपी जारी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में 1 मार्च से वर्ग 8, 9वीं व 11वीं की कक्षा शुरू करने के लिए एसओपी जारी किया है। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि कक्षाओं के संचालन के लिए 25 फरवरी से आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर के नियमित उपयोग को अनिवार्य किया गया है। झारखंड सरकार ने घोषित किए जिलों के प्रभारी मंत्री। राज्य सरकार ने गुरुवार को जिलों के प्रभारी मंत्री के नाम घोषित किए हैं। बता दें, जारी सूची के मुताबिक आलमगीर आलम को साहेबगंज, गोड्डा और बोकारो, रामेश्वर उराव को खूंटी, सिमडेगा और गुमला, चंपई सोरेन को दुमका, देवघर व जामताड़ा, जोबा मांझी को पाकुड़, पलामू और लातेहार,
सत्यानंद भोक्ता को रामगढ़ लोहरदगा और हजारीबाग, बन्ना गुप्ता को धनबाद व सरायकेला खरसावा, बादल को गढ़वा और पश्चिमी सिंहभूम, मिथिलेश ठाकुर को पूर्वी सिंहभूम व गिरिडीह, हफीजुल हसन को चतरा और कोडरमा तथा जगन्नाथ महतो को रांची जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। झारखंड में 76 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो रांची 47, पूर्वी सिंहभूम 13, बोकारो 2, रामगढ़ 1, सरायकेला 6, देवघर 2, खूंटी 2, लातेहार 1, चतरा 1, दुमका से 1 मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 119,795 है। वहीं 118,241 लोग स्वस्थ हुए और 1087 की मृत्यु हो गई। भारत में 16,562 नए संक्रमित मिले हैं। भारत में कुल संक्रमित की संख्या 1,10,63,038 है। वहीं 1,07,48,759 लोग स्वस्थ हुए और 1,56,861 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल एक्टिव केस 1,52,849 है। वहीं झारखंड में एक्टिव केस 467 है। बंध्याकरण नसबंदी ऑपरेशन फेल होने पर अब लाभुकों को 60,000 मिलेंगे। परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत बंध्याकरण ऑपरेशन फेल होने पर अब लाभुकों को मुआवजा के रूप में 60,000 रुपये मिलेंगे। वहीं 7 दिनों के अंदर लाभुक की मृत्यु होने पर 4,00,000 रुपये उसके आश्रितों को मिल सकेंगे। परिवार नियोजन ऑपरेशन कराने वालों के लिए पहले यह राशि क्रमशः 30,000 तथा 2,00,000 रुपये ही थी। सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेगा 750 ग्राम नमक व 330 ग्राम तेल। अब बच्चों को कुकिंग कास्ट की राशि लेने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके बदले उन्हें खाद्य सामग्री दी जाएगी। बता दें, सरकारी प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों को कुकिंग कास्ट के बदले दाल, नमक, सब्जी, तेल आदि का वितरण किया जाएगा। बच्चों तक यह सामग्री पैकेट बनाकर कुकिंग कास्ट के बदले घर घर तक पैकेट बनाकर पहुँचाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों को पैकेट मिला या नहीं, इसका प्रमाण भी देना होगा। झारखंड कैबिनेट बैठक में 28 प्रस्तावों को स्वीकृति। झारखंड राज्य कैबिनेट की बैठक में 28 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। बता दें, सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट अथवा तंबाकू उत्पाद के सेवन पर न्यूनतम 1,000 जुर्माना लगेगा। वहीं हुक्का बार का संचालन करते हुए पकड़े जाने पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। बता दें, झारखंड आंदोलन के तहत जेल जाने वाले लोगों के परिजनों को तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरी में आरक्षण मिलेगा। झारखंड में मुआवजे का खेल, कई आश्रितों को दो दो बार मुआवजा। उग्रवादी हिंसा के शिकार 8 लोगों के आश्रितों में मुआवजे की राशि दोबारा बांट दी गई है। बता दें, प्रत्येक आश्रित को 3-3,00,000 रुपये मुआवजा के हिसाब से कुल 24,00,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। इसका खुलासा केंद्रीय ऑडिट में हुआ है। अब केंद्र सरकार ने अतिरिक्त भुगतान से संबंधित अपनी राशि वापस करने के लिए राज्य सरकार से पत्राचार किया है। प्राइवेट स्कूलों पर सरकार की कड़ी नज़र, SOP जारी। राज्य में 1 मार्च से 8वीं व इससे ऊपर की सभी कक्षाएं शुरू किए जाने संबंधित राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति के फैसले के आलोक में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने भी स्कूल खोलने संबंधित SOP जारी कर दिया है। जारी SOP के अनुसार स्कूल खोलने के 2 से 3 सप्ताह तक असेसमेंट टेस्ट नहीं लेना होगा। वहीं स्कूलों में NCERT द्वारा तैयार वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर को लागू किया जा सकता है। स्कूलों में मिड डे मील तैयार करते और परोसते समय सावधानी रखनी होगी। रांची में बिना रजिस्ट्रेशन वैक्सीन लगाने पहुंचे डॉक्टर, हंगामा। रांची के सदर अस्पताल में गुरुवार को HEC वेलनेस सेंटर के कुछ डॉक्टर बिना रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन कराने पहुंच गए। इसके बाद इसे लेकर अस्पताल में हंगामा हुआ और करीब 1.5 घंटे तक वैक्सीनेशन कार्य ठप रहा। इसके अलावा कुछ डॉक्टरों ने कोवैक्सीन का विरोध किया। उनका कहना था कि उन्हें कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड वैक्सीन लगाया जाए। प्राइवेट स्कूलों के फीस के मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में स्कूल फीस को लेकर दाखिल मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों फैसला सुनाया है। उक्त आदेश में निजी स्कूल को फीस लेने की अंतरिम राहत दी गई है। झारखंड में पंचायत स्तर पर जूनियर इंजीनियर व कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली। झारखंड में पंचायत स्तर पर जूनियर इंजीनियरों और कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती हो रही है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।
बता दें कुल 526 पदों पर जूनियर इंजीनियर और 869 पदों पर कंप्यूटर ऑपरेटर सह क्लर्क की नियुक्ति होगी या नियुक्ति अनुबंध पर होगी। कैट का भारत बंद का असर झारखंड में भी। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के प्रावधानों में समीक्षा की मांग को लेकर व्यापारिक संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से 26 फरवरी यानी आज बुलाए गए भारत बंद का असर झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। बता दें कैट के अलावा रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी इस बंदी के समर्थन किया है। इससे रांची सहित पूरे राज्य में गुड्स की सप्लाई ठप रहेगी। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर स्तर पर करेगी किसानों को मदद। रांची होटवार स्थित मेधा दुग्ध संयंत्र में कृषि गोष्ठी सह अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख उपस्थित रहे। इस उपलक्ष्य पर झारखंड सरकार का NDDB के साथ काफ़ी समय से लंबित MOU के विस्तार के लिए सभी किसानों ने मंत्री का धन्यवाद ज्ञापन दिया। प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय के हित में कई मांगे रखी, जिस पर बादल पत्रलेख ने कहा कि सरकार और विभाग राज्य में दुग्ध उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए सभी स्तरों पर किसानों की मदद के लिए तैयार है। नौ सैनिक सूरज की मौत का खुलासा। झारखंड के डाल्टनगंज के रहने वाले 27 वर्षीय नौ सैनिक सूरज दुबे की मौत के मामले को सुलझा लेने का दावा महाराष्ट्र की पालघर पुलिस ने किया है। पालघर के SP ने बुधवार को यह दावा करते हुए कहा कि इस केस की पड़ताल के दौरान सामने आई CCTV फुटेज और दूसरी जांचों से यह लग रहा है कि सूरज ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। उन्हें जिंदा जलाकर मार डालने की बात गलत है। रांची में लॉज हॉस्टलों को नोटिस। झारखंड की राजधानी रांची में नगर निगम ने बिना लाइसेंस वाले लॉज हॉस्टल और बैंक्वेट हॉल को सील करने के साथ ही उन्हें तोड़ने का नोटिस जारी करना शुरू किया है। इनके संचालकों को 27 फरवरी तक का समय दिया जा रहा है। अब इसके लिए डिप्टी मेयर संजीव विजय वर्गीय ने मोर्चा खोल दिया है। बता दें CM हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिख उन्होंने इस मामले की जानकारी दी है। नरेंद्र मोदी सरकार में बढ़ी महंगाई, रामेश्वर उरांव। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा कि UPA शासनकाल की अपेक्षा नरेंद्र मोदी सरकार में महंगाई बहुत बढ़ी है। केंद्र की सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में लगातार विफल साबित हो रही है। उरांव ने गुरुवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि UPA की सरकार जनहित के लिए काम करती थी, लेकिन जिस तरह मोदी सरकार में महंगाई बढ़ी है, इस तरह की महंगाई लोगों ने कभी नहीं देखी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में कांग्रेस ने निकाली साइकिल रैली। रांची मोराबादी में गांधी मूर्ति के पास कांग्रेसी साइकिल व रिक्शा लेकर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में विशाल विरोध प्रदर्शन कर रही है। बता दें इसमें झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार गौरव एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लव, विधायक दीपिका पांडे, विधायक राजेश कक्षप सहित काफ़ी संख्या में कांग्रेसी और आम लोग भी शामिल हुए। 10 मार्च से रांची में सेना भर्ती। भारतीय सेना में जाने की इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बता दें रांची के मोराबादी मैदान में 10 मार्च से सेना बहाली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें झारखंड के सभी 24 जिले के योग्य युवा भाग ले सकते हैं। बहाली में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चिकित्सा जाँच और लिखित परीक्षा में भाग लेना होगा। बता दें सेना में बहाली के लिए अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वह अपनी आयु और शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि के बाद ही हिस्सा ले। सेना भर्ती के लिए अभ्यर्थी को COVID-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। सभी अभ्यर्थियों को बहाली के दौरान मास्क, दस्ताना एवं सैनिटाइजर का उपयोग आवश्यक रूप से करने का निर्देश दिया गया है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।